हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएम मेंबर के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप अपने यूएन पासबुक को ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर कैप्चर कोड नहीं दिख रहा है, आधा ही कैप्चर कोड दिख रहा है, तो उसको कैप्चर आपको पूरा कैसा दिखेगा और जो कैप्चर वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं और कुछ मेंबर हुए जो व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम अपने मोबाइल से अपना जो भी पासबुक है उसको चेक करने के पूरा कैप्चर कोड नहीं लिखा रहा है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है तो दोस्तों आगे वीडियो में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब पूरा सॉल्यूशन जानने के लिए आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ जाकर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। पहले दोस्तों आपको मैं मेंबर पासबुक को ओपन करके बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत सारे मेंबरों को आ रही है और वो अपना जो भी पीएफ की पासबुक है उसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप लैपटॉप से करोगे तो सक्सेसफुली आपका जो भी मेंबर पासबुक है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल से अपने मेंबर पासबुक को ओपन करते हो तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या आ रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना यूएन नंबर आप फिल कर सकते हो, पासवर्ड फिल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अपना कैप्चर कोड फिल नहीं कर सकते। दोस्तों यही क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे मेंबर कमेंट करके पूछ चुके हैं कि सर हमारा कैप्चर कोड नहीं आ रहा है तो कृपया हमें बताएं कि ये कैप्चर कोड कैसे आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यदि आप अपने मोबाइल से अपना मेंबर पासबुक से अपना बैलेंस चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप साइड को यहाँ से देख सकते हैं, डेस्कटॉप साइड ऑन है, इसको ऑफ कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपनी डेस्कटॉप साइड को ऑफ करोगे तो यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड तीनों चीज़ फिल करके साइन पर दबा सकते हो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।